हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र और आज मेरे पास है टाटा टियागो XT, वो भी ऑप्शनल। तो आज का हम रिव्यू करेंगे, आपको मैं बताऊंगा इसके फीचर्स क्या हैं और इसमें क्या माइलेज है, क्या इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के सब बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में और चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लेना यारो। तो इंटीरियर में बताते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेयरिंग पे आपको माउंटिंग्स क्या मिलती हैं। स्टेयरिंग माउंटिंग्स में आपको मिलता है यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स, तो यहाँ पर आपको फोन पिक कर सकते हैं, फोन काट सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हैं और आपका मोड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको स्टेयरिंग में ये आपको फीचर आपको मिल जाता है ये XTO में। तो जो आप बात करते हो तो उसके लिए देखो ये माइक यहाँ लगा हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ आपका माइक लगा हुआ, जो भी आप बात करोगे, आप किसी फोन पर बात करते हो तो उस माइक से आपकी बात होगी। यहाँ पर आपका माइक है, आप देख सकते हो। अगर ड्यूअल टोन में आपको उसका डैशबोर्ड मिलता है, आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्लैक फिनिश है, नीचे आप इसमें ग्रे में है। यहाँ का ग्लोब बॉक्स दिखाते हैं आपको, तो देखिए ग्लोब बॉक्स का अच्छा स्पेस है। यहाँ पर टेबल टॉप भी दिया हुआ है, आप देखोगे ये स्पेस दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप थोड़ा ये दिखाओगे तो ये देखिए यहाँ पर टेबल स्पेस भी है, तो यहाँ पर कुछ रखना है तो सामान रख सकते हो इसका, तो स्पेस अच्छा है। ये आपके देखिए ये इवेंट्स है, तो इवेंट्स पे भी आप देखोगे ये क्रोम फिनिश दिया हुआ है, इस पे भी यहाँ पर भी आप देखो क्रोम फिनिश दिया हुआ है, तो गाड़ी एकदम लेविश लुक आता है। इस तरफ भी आपको क्रोम फिनिश दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको एक लगेगा थोड़ा सा गाड़ी है। तो टाटा ने बहुत काम किया है अभी स्टाइलिंग में, बहुत काम किया है इन चीजों पर, तो आप देखो तो बहुत सुंदर लग रहा है डैशबोर्ड आपको देखो। तो यहाँ आपको ये मैनुअली आपको एसी मिलता है, यहाँ आपको ये एसी का हो गया, यहाँ पर फैन स्पीड का हो गया, यहाँ पर आपको चेंज का हो गया, यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आप देखो ये यूएसबी का पोर्ट दिया जाता है, इधर एक आपको यूएसबी का इधर मिल जाता है, तो आपको सॉकेट लगा सकते हो। तो गाड़ी मैनुअल है यहाँ पर, और अभी आप मीटर पर आ जाते हैं तो मीटर पर आप दिखा दो, इसमें आपको ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्यूल का मिल जाएगा, इधर आरपीएम आपको मीटर मिल जाएगा, ठीक है। गाड़ी अभी स्टार्ट है और अभी देखो बहुत सुंदर आपका कंसोल दिया गया है, तो आपको मैं अभी मीटर कंसोल दिखा देता हूँ। मीटर कंसोल में आपको देखो ये ऑडोमीटर है, यहाँ पर गाड़ी कितना किलोमीटर रेंज है, 135 पर दिख रहा है रेंज, तो इतना किलोमीटर चलेगी, यहाँ टाइम भी आ रहा है, इसमें आरपीएम मीटर भी है, इधर आपका फ्यूल का है, ठीक है। तो मीटर बहुत कंसोल बहुत अच्छा दिया हुआ है, और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एवरेज भी आ रहा है, एवरेज में 10.3 का दिख रहा है। मैं कंपनी जो क्लेम कर रही है, चूंकि नई गाड़ी है, हार्डली मिखा से गाड़ी चली होगी, 300-400 किलोमीटर चली है अभी तक, तो अभी थोड़ा एवरेज कम भी दिख रहा है, तो गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे एवरेज बढ़ेगा इसका। तो यहाँ पर एवरेज आ रहा है, ये ट्रिप है और बेसिक में फीचर्स हैं गाड़ी में जो बेसिक आपको चाहिए। तो सेफ्टी में बात करें तो टाटा ने बहुत काम किया हुआ है सेफ्टी में, अभी टाटा ही मार्केट में छाई हुई है सेफ्टी के नाम पे, तो इसको एनकैप रेटिंग में इसमें ग्लोबली टाटा टियागो को मिली हुई है 4 की रेटिंग। अब देखो इसमें यहाँ पर एयरबैग है, एक एयरबैग यहाँ पर आपको ड्राइवर पर मिलता है, एक एयरबैग आपको इधर को ड्राइवर सीट पर मिलता है, दो आपको मैनुअल, दो इसमें एयरबैग्स हैं, तो इन दो एयरबैग में टाटा को जो रेटिंग मिली है वो 4 की मिली हुई है आउट ऑफ 5, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है गाड़ी में। अच्छा, इस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, तो आप देखो ये इन्होंने बॉक्स दे दिया इतना सा, अगर आपको म्यूजिक सिस्टम का शौक है तो आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखिए इसमें 4 स्पीकर लगे हुए ऑलरेडी आते हैं यहाँ पर, जैसे इस तरह का ऐसे हर चारों दरवाजों में एक स्पीकर है इस तरह के, और यहाँ पर ट्विटर का स्पेस दिया हुआ है, अगर आपको ट्विटर लगवाने हैं तो ट्विटर यहाँ पर लगवा सकते हैं, और आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। आपको नहीं है शौक तो खुद गुनगुना लीजिए गाना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइड व्यू मिरर्स के, तो साइड व्यू मिरर जो आप देखोगे तो साइड व्यू मिरर आपका ये एडजस्टेबल है, यहाँ से आप देखोगे तो ये देखिए एडजस्टेबल है, मगर आप इसको फोल्ड नहीं करते, मैनुअली आपको फोल्ड करना पड़ेगा, यहाँ आप देखिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको फोल्ड करने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, जो इसके जो ऊपर जो वेरियंट है उसमें आपको मिलेगा इसका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिलता है, ये टाटा की मोस्टली हर गाड़ी में आपको मिलेगा टिकट होल्डर, बहुत अच्छा फीचर है। जैसे आपको फास्टैग आपको चिपकाना नहीं है ग्लास में, तो जैसे मैं कभी आपको ग्लास खराब हो गया चेंज करवाना, आपको फास्टैग का नुकसान होता है, तो यहाँ आप फास्टैग को आप लेमिनेट कराए चाहे ऐसे ही आपको यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर टिकट है फास्टैग है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो आपको इसको बेनिफिट है, फास्टैग का नुकसान नहीं होगा। अच्छा देखो, इसमें यहाँ बीच में आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है,
पूरे कैबिन में यहाँ बीच में ही लाइट लगी हुई है इसमें। और अगर देखें इसमें यहाँ आपको इसमें मिरर नहीं मिलता है इसमें, तो मिरर की कॉस्टिंग कंपनी ने बचाई है यहाँ पर। बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर काम किया टाटा ने। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 2 किलो तक का वेट आप यहाँ पर इसमें कैरी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर सामान रख लिए, आप आलू लाओ, सब्जी लाओ, कुछ भी लाओ, यहाँ टांग लो अपना, तो आपकी वाइफ भी परेशान नहीं होंगी। ये देखो पावर विंडोज में बात करें तो गाड़ी के चारों यहाँ पर पावर विंडोज आती है, यहाँ पर आप इसको लॉक कर सकते हो गाड़ी के इसके ग्लासेस, डोर ग्लासेस, और यहाँ पर चारों पावर विंडोज हैं। अच्छा ये चीज़ों ने अच्छा काम किया इस बार टाटा ने, ये देखो आप देखो तो यहाँ पर ये लॉक का बना दिया। अदरवाइज अगर पुराने टाटा टियागो देखो या और देखो तो यहाँ पर पिन वाला होता है जो ऊपर नीचे करने वाला होता है, तो वो चीज़ बड़ा ऑकवर्ड भी लगता था। तो अभी इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने। तो अभी एक्सटीरियर की हम बात कर लेते हैं, इसमें जो उसके एक्सटर्नल जो गाड़ी कैसे दिखती है, तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रिल आप देखो, एकदम क्रोम फ्रीज ग्रिल दिया हुआ है, आप देखो बहुत सुंदर ग्रिल है। देखो ये लुक आता है गाड़ी का। यहाँ आप देखोगे यहाँ फॉगलाइट के पास भी यहाँ पर ये क्रोम फ्रीज दिया हुआ है, फॉगलाइट नहीं आती इस गाड़ी में। और आप हेडलाइट देखो, हेडलाइट आपको लगेगा दूर से देख के ऐसा लगेगा प्रोजेक्टेड लाइट है, क्योंकि लाइट इसमें बहुत अच्छी है। आप देखो बहुत लंबी लाइट है, बहुत सुंदर लाइट है, एकदम स्लीक डिजाइन है लाइट का। यहाँ साइड मिरर की बात करते हैं तो देखो आप साइड मिरर आपको पेंटेड आते हैं, ये ब्लैक फिनिश में है पेंटेड साइड। ये आपका डोर जो हैंडल है देखिए, ये आपके बॉडी कलर के डोर हैंडल आते हैं, व्हाइट कलर की गाड़ी तो व्हाइट ही आपको मिलेगा। और ये आपको डिफॉगर मिलता नहीं, आपको नॉर्मली आपको जैसा है गाड़ी ऐसी मिलेगा, आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा इसमें। पीछे आप बात करो देखो यहाँ पर इसमें रियर व्यू सेंसर है आपको मिलेगा, कैमरा नहीं मिलता इसमें, कैमरा इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ आप कैमरा अलग से फिट करवा सकते हैं जगह पर कैमरा, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कैमरे की। यहाँ बाकी सेंसर आपको मिलते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाएगा तो सेंसर इसमें सिर्फ 2 ही दिए गए हैं आपको, अगर इधर से है तो इधर से आपको यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो ये कहने के थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इसमें। तो आपको अगर इधर का कोई हिट है तो आपको इधर का जज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर सेंसर आपको यहीं तक काम कर रहा है। एक्सटर्नल में देखोगे इन्होंने एक स्पॉइलर दिया हुआ है पार्शियली, बहुत अच्छा लग रहा है, दो तरफ दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ ब्लैक फिनिश में अच्छा दिया है। यहाँ आप देखो इन्होंने पूरा ये टेल लाइट दे दिया ऊपर में टॉप, ये भी अच्छा एक लुक देता है गाड़ी में। टायर को आप दिखा दो तो टायर ये 14 इंच का टायर है, 175/65 R14 टायर है, रेडियल टायर है। टायर गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी का साइज के हिसाब से 14 इंच टायर बहुत सफिशियंट है गाड़ी। इसमें एंटीना भी मिल जाता है, एंटीना ये एडजस्टेबल है, जैसे आप कहीं झुकाना है तो झुका सकते हैं, जैसे आप यूज़ नहीं है तो आप गाड़ी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कवर डालना है गाड़ी के ऊपर तो आप इसको झुका के और गाड़ी के ऊपर कवर डाल लीजिए। इसमें शार्क फिन नहीं मिलता आपको, ऐसे मिलेगा आपको एंटीना इस टाइप का, तो अब जैसे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको झुका भी सकते हैं, मगर अपना एंटीना अपना काम तो करता ही रहेगा। इस पर दिखाता हूँ तो बूट इस पर सफिशियंट है गाड़ी में, गहराई भी अच्छी खासी है, बस सामान अच्छा खासा लगे उसमें अच्छा खासा आ सकता है, तो बूट इसमें सफिशियंट है। इस बूट इसमें आप देखो तो यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे नहीं लग के आती है, आप एडिशनल पार्सल ट्रे लगा सकते हो। 3 किलोग्राम तक का आपका वेट इसमें, देखिए यहाँ पर हुक बने हुए हैं, यहाँ पर 3 किलोग्राम तक का वहाँ वजन आप डाल सकते हैं इनके ऊपर। अभी इसमें टूल किट की बात करता हूँ, देखो ये एडवांस वार्निंग ट्रायंगल दिया हुआ है, जो आप अभी गाड़ी खराब हो गई हाईवे पे तो कहीं इसको गाड़ी में इसको कहीं साइड में पार्क कर सकते हैं। अच्छी चीज़ आपको एक दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखो टायर मोबिलिटी किट, ये टाटा की तरफ से हर गाड़ी में दिया जा रहा है। ये आप देखो उसमें टायर इन्फ्लेटर दिया हुआ है, कॉन्टिनेंटल कंपनी का है, बहुत अच्छा काम किया है कंपनी ने। मेरे को मोटा मोटा 3,000 रुपये के आसपास का पड़ता है, अगर कॉन्टिनेंटल का लेने जाओगे 3,000-2,500 के आसपास पड़ेगा। ये कंपनी आपको ये आपको उसमें टूल किट में दे रही है। यहाँ आपको पंचर का पूरा किट दिया हुआ है, ये देखिए इसका पूरा लिक्विड भी दिया हुआ है इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको एक किट, ये देखिए ये पूरा इन्होंने पूरा किट दिया हुआ है, तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये मेरे खासा होगा कि गाड़ियों में मिलता नहीं है, तो यहाँ ये आपकी कॉस्टिंग अच्छी खासी है इसमें। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपका स्टेपनी एक मिल जाता है, ये स्टेपनी आपको मिल जाएगी 14 इंच में टायर में ही है, और इसके नीचे यहाँ पर आपको जैक रखा हुआ है, आप देखो तो चूंकि आपको जैक मिल जाएगा। यहाँ आप देखो उन्होंने बहुत ऐसे छुपे रुस्तम की तरफ सामान छुपाया हुआ है, ये खोलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगी पूरी टूल किट, ये देखिए के अंदर पूरा सामान है, खोलता हुआ तो दिखा भी देता हूँ। ये पूरा सामान है गाड़ी का, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं उसमें कंपनी ने इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आपको ये सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगी है। अच्छा ये चीज़ अच्छा किया टाटा ने, यहाँ पर बैक डोर ट्रिम भी लगाया हुआ, पहले क्या आता था ये खुला होता था, उसमें वायर वायर सब कुछ दिखते थे, तो अच्छा ट्रिम लगा के इसको पूरा उसको बंद कर दिया, तो बहुत अच्छा काम किया इस गाड़ी ने। अब जरा आपको बॉनेट खोल के भी दिखा देते हैं, यह है फुल्ली पैक्ड इंजन, 3 सिलेंडर इंजन है गाड़ी का। एक उसको लगा लेते हैं लॉक सेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा बॉनेट सेट। ये 3 सिलेंडर आपका इंजन है आप देखोगे, और 1200 सीसी का इंजन है ये, पेट्रोल फुल्ली पेट्रोल इंजन है।
ये आपको बॉनट पे यहाँ पर इंसुलेटर लगा हुआ है। ये आपको बताऊँ किस चीज़ के लिए दिया, ये है आपको फायर एक्सटिंग्विशर, आप यहाँ पर लगवा सकते हो, मार्केट में मिलता है। यहाँ पर जैसे कभी आपको लगता है गाड़ी में इंजन में आग लग जाए है, तो आपको सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पर आप फायर एक्सटिंग्विशर लगवा सकते हो, तो यहाँ पर अपना ऑटोमेटिक उसको बुझा सकते हैं। ये आपको अच्छा फीचर दिया डाटा। अगर स्पेस की बात करो तो मेरे लिए खूब सफिशियंट स्पेस है, ये ड्राइवर सीट के लिए स्पेस है, तो आप देखोगे तो यहाँ भी मेरे पास इतना स्पेस बचता है। ड्राइवर जो सीट पे बैठेंगे सबसे बहुत सफिशियंट स्पेस है, आप देखो तो आराम से पीछे लोग आराम से बैठ सकते हैं, ये नहीं आप सकते हैं टकरा रहे हो। हेडरूम की बात करो तो देखो मेरे पास मैं मोटा मोटा 5-9 के आसपास हूँ, तो मैं देखो आप तो मैं अभी मेरे पास हेडरूम अभी अच्छा खासा बच रहा है। अब सीट की कंफर्ट की बात करो, बहुत कुशनिंग बहुत अच्छी है, पीछे वाली सीट्स बहुत ज़्यादा कुशन है, आप देखो ये देखो, मगर मैं आपको दिखाता हूँ आगे वाली सीट, ये आप देखो, मगर ये आगे वाली सीट हार्ड है, तो मे बी शायद हार्ड इसलिए दी गई क्योंकि ड्राइवर सो ना जाए कहीं, इसको ज़्यादा कुशन नहीं देना है ड्राइवर को, हो सकता है उसकी वजह से हार्ड दी होगी। मगर पीछे की कुशनिंग बहुत अच्छी है, बहुत सीट की बहुत अच्छी कुशनिंग पीछे दी गई है। यहाँ आप देखोगे ये थोड़ा सा स्पेस दे दिया गया सामान वामान रखने के लिए इसमें। अच्छा यहाँ आप देखोगे यहाँ पर छोटी बोतल डाल सकते हो, मैं यहाँ पर बड़ी बोतल तो नहीं आ सकती इस जगह पे, ये पीछे डोर पे भी आगे चारों डोर देखोगे तो छोटे बोतल्स आ सकते हैं, बड़ी बोतल नहीं आप ला पाओगे इसके अंदर। आप देखोगे ये छोटा सा मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है, तो हो सकता है उसमें टाटा भी काम करे, मगर यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे को एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा गाड़ी में कि छोटी बोतल ही आ पाएगी, आप मेरे ख्याल से हार्डली 8 लीटर की बोतल आए पर छोटी बोतल आ पाएगी। अच्छी दिखाता हूँ, देखो ये सीट आपकी फोल्डेबल भी है, यहाँ से उसके हुक खोलेंगे यहाँ से तो आपकी सीट भी फोल्ड हो जाएगी यहाँ से, तो आपको ये पीछे का आपका बूट, आपका वो बूट इसमें बढ़ाना है तो बूट इसमें बढ़ भी सकता है आपका, इसमें ये अच्छी चीज़ है। अच्छा यहाँ आप देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ आपको चाइल्ड लॉक भी मिलेगा गाड़ी के अंदर, बेसिकली अगर हर गाड़ी में फीचर आते हैं तो आपको चाइल्ड लॉक भी देखो मिलेगा। चलिए अब लेते हैं इसकी टेस्ट राइड, तो और सबसे पहले टेस्ट राइड से पहले हम गाड़ी का लगा लेते हैं सीट बेल्ट, आप भी लगाइएगा आगे और पीछे जितने भी लोग बैठे सब लगाया करिएगा। गाड़ी हमने कर ली स्टार्ट, क्योंकि सेफ्टी आप ही के हाथ में होती है, आप सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। स्टेरिंग में बहुत सॉफ्ट है, बहुत आराम से मूव कर रही है, स्टेरिंग बहुत सॉफ्ट मूविंग है स्टेरिंग में। अच्छा ये मैं सीट आपके मैं बताना भूल गया, ये ड्राइवर आपकी सीट एडजस्टेबल है इसमें आती है, तो अभी मैं ऐसा लग रहा है मुझको एसयूवी वाला फील आ रहा है, सीट बहुत ऊंची कर रखी है मैंने, तो गाड़ी का बहुत अच्छा फील आ रहा है कि अच्छी विजिबिलिटी भी आप देखोगे तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। माइलेज की बात करते हैं गाड़ी की, तो कंपनी जो क्लेम कर रही है माइलेज कर रही है 19 का, जो अभी जो गाड़ी में आप देख रहे हो ये 10 के आसपास दिख रहा है, तो माइलेज थोड़ा सा कम है, मगर चूंकि नई गाड़ी 300 किलोमीटर चली हुई है, 300-350 किलोमीटर चली हुई है, तो माइलेज कहीं कहीं आगे जाके बढ़ेगा इसका। फ्यूल की जो टैंक की कैपेसिटी है वो है 35 लीटर की, तो 35 लीटर का वो फ्यूल कैपेसिटी मिलता है टैंक का। टर्न पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाड़ी का, टर्न पे बहुत ही सुंदर रिस्पॉन्स है, मतलब फील नहीं आया, और स्टेयरिंग ऑटोमेटिक जो अपने वापस पोजिशन पर आती है बहुत अच्छा फील है। गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है, 5-स्पीड गियर देता है इसमें टाटा, गियर बहुत स्मूथली लग रहे हैं, तो नई गाड़ी है अच्छा, ऑब्वियसली बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अभी देखता हूँ रोड बम्प पे क्या रिस्पॉन्स है, देखिए सामने रोड बम्प है तो उसका रिस्पॉन्स आपको बताता हूँ कैसा है, बहुत हैवी बम्प है, देखिए साउंड का पता आवाज तो नहीं आई, बहुत गाड़ी हमने बहुत धीरे निकाली थी, मगर आवाज तो गाड़ी की नहीं है। टर्निंग बहुत गजब लगी मेरे को, स्टीयरिंग वापस अपने आप जा जाती है। पिकअप की बात करें देखो, पिकअप मैंने पूरा पेट्रोल देने के बाद अच्छा पिकअप बहुत सही है गाड़ी का, 1200 सीसी का इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तब पिकअप तो आपको मिलना ही मिलना है डेफिनेटली गाड़ी। अच्छा इसमें एक फीचर और है, गाड़ी की स्पीड के ऑटोमेटिक ये गाड़ी का लॉक हो जाती है, डोर लॉक सारे लॉक्स हो जाएंगे यहाँ से अपने आप, जैसे गाड़ी में स्पीड खोल दिया, अभी देखो मैं दिखाता हूँ आपको, लॉक खुल गए गाड़ी का, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा गाड़ी का, देखिए लॉक हो गया अपने आप ही, तो अभी दिखाता हूँ ये खुल गया गाड़ी के लॉक, अभी गाड़ी का स्पीड बढ़ाऊंगा, ये देखिए लॉक हो गई गाड़ी अपने आप, तो ये अच्छा फीचर है गाड़ी में। तो बेसिक फीचर उन्होंने गाड़ी को देखो, इसमें ABS मिलता है आपको, EBD मिलता है आपको, तो चार आपको 2 एयरबैग मिलते हैं आपको, तो सेफ्टी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गाड़ी है एकदम बजट फ्रेंडली, आपको 6,25,000 की गाड़ी पड़ी है ऑन रोड, इसमें खाली आपको एसेसरीज नहीं मिले हैं, एसेसरीज आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे, एसेसरीज में आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, ये आप बाहर से लगवा सकते हैं, तो आपको इस बजट में कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, आपको ऑल्टो वोल्टो सब भूल जाए, 6,25,000 कौन सी गाड़ी मिलती है आपको, ये मिलती है गाड़ी बढ़िया, टाटा का नाम मिलता है, आपको सेफ्टी में मिलता है, तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आप गाड़ी अपना आराम से ऑफ कर सकते हो। आप थोड़ा सा और फीचर आप बढ़ाने के ऊपर एक मॉडल आता है वो जा सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा ये इन्फो सिस्टम मिल जाता है, तो एक दो फीचर आपको बढ़ जाएंगे उसमें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपका कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप मुझे पिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।